मैनु तीन चार मैसेज आए टेलीफोन से कहते जी कदी कदी लाइव बंद कर देंगे कदी कदी एडिट करी जाते हैं कदी कदी चला देंगे जे तो भाई चला तो सीधा चलायो जे नहीं तो फिर रहन दो। मसला केवल पीटीसी का एक अधिकार खत्म करने का नहीं है सगो एक परिवार के हितों पंथक सोच के सिद्धांत को तिलांजलि देने वाले का है। असि बहुते चुप चाप बैठ के हुक्म मनते रहे ते पंच प्रधानी का सिद्धांत छड के केवल ते केवल लफाफा कल्चर नूं जन्म दे के सिख मर्यादा लई वड्डी सट मारी है। असि बाबे नानक की सोच तो मुख मोड़ लिया है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र गोद विच विराजमान मानयोग सिंह साहब जन सिंह साहब जी जय दा श्री अकाल तख्त साहिब जय दा श्री केसगढ़ साहिब बहुत सत्कारयोग प्रधान साहब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार हरजिंदर सिंह जी सारे ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एग्जैक्टिव के अहुदेदार साहबान मेरे साथी सारे मैंबर साहबान फतेह अर्ज है वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। एक तो मैं पहला ही बेनती कर ला मैं तीन चार मैसेज आए ये टैलीफोन से कहते जी कदी कदी लाइव बंद कर देंगे कदी कदी एडिट करी जाते हैं तो कदी कदी चला देंगे जे तो भाई चला तो सीधा चलायो जे नहीं तो फिर रहन दो क्योंकि ठीक नहीं लगता। जे आप लाइव कर रहे हैं ना फिर सारा प्रोग्राम लाइव करो ता जो तुहाडे विचार जड़े है तुसी संगत तक पहुँचा रहे हो संगत तक पहुँच सकन। प्रधान जी मेरी बेनती है कि हदायत कर दी जाए। होए इकहत्तर मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करो लिब लाए हर नाम मैं कह होवो जोरी गुरमुख वैसो सफा विशाए। गुरु नानक साहब जी का संदेश उसका उपदेश लैके असि सारे संवाद कर रहे हैं विचार चर्चा च जुड़े हैं। अज का बड़ा गंभीर अते चिंताजनक विषय लगातार तुसी उसका विरोध भी कर रहे हो ते लगातार तुसी जो सच्चाई है वह भी संगत के सामने पेश कर रहे हो। मेरे तो पहला बहुत सत्कारयोग सारे मैंबर ने बहुत वडमुले विचार दते और टू दी पॉइंट जो कहना बनता सी हर मैंबर ने अपनी जिम्मेवारी पूरी की। सत्संग जी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दी सिरमौर संस्था जानी जाती है अते है इसनू सिख पार्लीमेंट भी किया जाता है इसनू स्टेट विदन स्टेट भी किया जाता है इसनू सारे संसार के लोग बहुत इज्जत ते मान दे नाल देखते हैं क्योंकि इहदे अंदर सिखां दी सोच का प्रगटावा किया जाता है गुरमत रहत मर्यादा की गल की जाती है सिद्धांतों की पालना करके इस संस्था ने संगतां नूं बहुत वड्डी प्रेरणा देनी हुंदी है। मैं क्योंकि लंबा भाषण नहीं करना जिस तरह कहा गया प्रधान साहब जी ने मता पेश किया और असी सारिया ने प्रवान किया करना बंद है क्योंकि यह मता सरदार हरजिंदर सिंह जी का नहीं है ये मता जिहड़ा है जिस सरकार ने साडे नाल धक्का किया साडे उत्ते हमला किया उहदा विरोध करन वास्ते है ते इहनूं रद्द करन वास्ते है साडी जिम्मेवारी बनती। मैं समझदी हां कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होण चाही वो गल लै के बैठ के कि एक स्टेट मुद्दा है स्टेट कमेटी है स्टेट बोर्ड है स्टेट एक्ट है ठीक है स्टेट एक्ट सी पंजाब सरकार जदों देश वंड होया फिर भी पंजाब सरकार जो तब्दीली करती सी एक्ट विच वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इच्छा अनुसार हुंदा सी। 53 च होया 59 च होया दुबदा पई सी सत्कारयोग मास्टर तारा सिंह जी सिख कौम वल्लों अते सरकार वल्लों पंडित जवाहर लाल नहरू जी का पैक्ट होया समझौता होया जो उहदे च पास किया गया कि कोई भी तब्दीली एक्ट विच कीती जावे ता वो केवल तो केवल उदों होएगी जदों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने जनरल इजलास विच पास करके वो सोध करन वास्ते भेजिएगा। 53 च होई 59 च होई 66 दे विच 1966 च पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनिया
ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 72 ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚਾਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 78 ਵਿੱਚ, 95 ਵਿੱਚ, 96 ਵਿੱਚ, 99 ਵਿੱਚ, 2015 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਇਹ ਸੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤੇ ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ। ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜੋ ਐਕਟ ਹੈ 1925 ਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਿਆਮਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ, ਵਰਨਾ ਅਜੇ ਚੋਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਲੰਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਪੰਥਕ ਮਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਥਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਤਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਤਾ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਦਖਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਥ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਜੋ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ, ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹ ਕੋਝਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 26 ਜੂਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ। 25 ਅਤੇ 26 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਹੈ, 25 ਅਤੇ 26 ਜੂਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਤਾਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਅੱਜ 26 ਜੂਨ 2023 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 48 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
मैं सारे मैंबर साहबाना अपने अंदर झाती मारन की तागीद करती हाँ कि सिर्फ ये मसला सिर्फ PTC का एक अधिकार खत्म करने का नहीं है। ये मसला केवल PTC का एक अधिकार खत्म करने का नहीं है, सगों एक परिवार के हितों लिए पंथक सोच के सिद्धांत को तिलांजलि देने वाले का है। मैं बेनती करा जिस अकाली दल ने 1920 श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बना के 1925 के एक्ट में सिख औरतों को वोट का अधिकार दे दिता सी, जबकि उदो साढ़े ते राज करने वाले बरतानिया में औरत को वोट पाने का हक भी नहीं सी। ये वो श्रोमणी अकाली दल है, ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। श्रोमणी कमेटी की रक्षा लई जिहड़े श्रोमणी अकाली दल की स्थापना की गई सी उसने अपने एक सदी का सफर तय करदिया सिख जगत की सिर मौर संस्था श्रोमणी कमेटी ते अकाल तख्त साहब के वकार नूं जबरदस्त ढाला दिती है, पर असी बहुते चुप चाप बैठ के हुक्म मनते रहे ते पंच प्रधानी का सिद्धांत छड्ड के केवल ते केवल लिफाफा कल्चर नूं जन्म दे के सिख मर्यादा लई वड्डी सट मारी है। सो श्रोमणी कमेटी में सरकारी दखल नूं किसी भी रूप में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सरकारी दखल नूं किसी भी रूप में जां किसी भी शक्ल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना कभी किया गया, क्योंकि गुरु घरां दी राखी रही जिहड़ी भी कुरबानी देनी पवेगी असी तैयार बर तैयार हाँ। तो व्यक्तिगत तौर पर मैं इस पवित्र हाउस में गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में कहना चाहनी है, ऐलान करती हाँ कि गुरु पंथ की निमाणी सेवादार होने के नाते हर तरह की कुरबानी लिए तैयार हाँ, क्योंकि जे असी अज भी ना बोले तो इतिहास सानू लानता पावेगा। पंजाब विच मैं घूम घुमा के देखिया किवें सिख अपनी संस्थावां की हो रही तबाही नूं बचाउण लई तड़फ रहे हैं। जदों मैं उन्हां दा दर्द महसूस करती हाँ तो कई कई दिन परेशानी विच सच जाने नींद भी नहीं पैंदी कि आखिर असी किहड़े कुराए पै गए, आखिर असी किहड़े कुराए पै गए जिहड़ा सानू पंथ की चढ़दी कला वाल नहीं सगर सातल वाल लैके जा रहा है। गल्लां तां बड़ियां करन वालियां ने, बाकी वीरां ने भी कीतियां, मैं सहमत हाँ, पर असी अज चर्चा करनी बनती है इस हाउस में। असी बाबे नानक की सोच तो मुख मोड़ लिया, आओ फिर तो गुरुआं दे आशे वाला खालसा पंथ सिरजिए जिहड़ा कुल लोकाई नूं सरबत दा होका दिंदा होया कुल आलम नूं अपनी बुक्कल विच लए। मैं दो गल्ल आप जी को प्रवानगी लैनी है प्रधान साहब तुहाडी आग्या नाल। एक मर्यादा आ, ये मर्यादा नु भांगना करके अपना मर्यादा किसी दे दो पहले भी क्या आप चार बारी प्रधान रहे हैं,
मैं मेरी बेनती सुन लो, आप सारा कुछ करते भी रहे थे, करते भी हाँ, एक मर्यादा के अनुकूल सारी गल होती है। एक मर्यादा के अनुकूल मैं पहला बजट भेजे, किसी ने कोई देना मैं दे दो, हाँ एक इन्होंने शाहपुर साहब दे के गए मैं ले लिया, ये भी मैं दे दो, आप जेडे झूठे फिर मैंबर हो।